गिरिराज सिंह का एक बयान हमारे पास आया है, वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं। गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि ओबामा के बयान के बाद अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रह गई। जब दुनिया के बड़े लोगों ने राहुल जी को की बुद्धिमानी को बराक ओबामा ने जिस ढंग से रखा है कि ये इतने बुद्धिमान हैं, अब मुझे लगता है कि इसके बाद इनके बुद्धि पर किसी को कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। चारू प्रज्ञा हमारे साथ हैं। चारू, जवाब देना चाह रही थी आप जैदी साहब की बातों का। व्यक्तिवादी विरोध तो दोनों तरफ से हो रहा है। देखिए, व्यक्तिवादी विरोध तो दोनों तरफ से नहीं हो रहा। मैं आपको वापस एक बात बताती हूँ। हाँ। जो आप हमारी तरफ से व्यक्तिवादी विरोध की बात कर रहे हैं ना, मैं उसको थोपना कह रही हूँ एक इंसान के ऊपर, एक वो दायित्व जो उसको चाहिए ही नहीं। जब वो आकर देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं कांग्रेस पार्टी पे, तो मतलब अगर आप पूरा मुझे बोलने का समय दें तो मैं आपको याद दिला दूं, गांधी के अलावा ये किसी को अपनी पार्टी को लीड नहीं करने देना चाहते। पिछले 2 सालों से इतना ड्रामा चल रहा है, उसके बाद घूम फिर के फिर से सोनिया गांधी को अध्यक्ष बना दिया गया है। बार बार राहुल और सोनिया के बीच में इनका म्यूजिकल चेयर्स चलता रहता है। दोनों में से कौन पार्टी को आगे बढ़ा पा रहा है, मुझको तो दोनों में कोई भी दिखाई नहीं देता। जो अच्छे लोग इनके पास थे भी, वो भी इनकी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, परेशान हैं या पब्लिकली ड्रामा कर चुके हैं, लेकिन इनकी भी मजबूरी होगी, उनको वापस अपनी पार्टी में रख लेते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के बारे में अगर कोई अपना निजी ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है, मेरा ओपिनियन तो उनसे अलाइंड है। ठीक है, ठीक है सैदी साहब, ये बहस तो चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल बराक ओबामा ने नुकसान कर दिया कांग्रेस पार्टी का, ये मानेंगे आप? समीर भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने क्या कहा, अगर मैं वो गिनाना शुरू कर दूं तो चारवी प्रज्ञा क्या पूरी बीजेपी भागती नजर आएगी। लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वहां उनकी बाहर कुछ बात की जाती है उसे कोट करने में यहाँ नहीं बैठा हूँ। ये व्यक्ति बता, एक चीज होती है जो कम, उसे मैं और शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, व्यक्तिगत आक्षेप लगाकर वो राजनीति करते हैं जिनकी कोई विचारधारा नहीं होती है। मैं व्यक्तिगत आक्षेप का आदि नहीं हूँ कि प्रधानमंत्री पे, चारवी प्रज्ञा पे या बीजेपी के नेताओं पे व्यक्तिगत आक्षेप लगाऊं। नीतियों की बात करो ना, कांग्रेस की, वामपंथ की नीतियों की बात करो ना, और आरएसएस की नीतियों पे बहस करते हैं ना। चलिए ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अमीर हैदर जैदी साहब, चारू प्रज्ञा और रामकृपाल सिंह साहब हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। वक्त हमारे पास इतना ही था। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।